सो भाई लोग, आज का जो पीसी का ऑर्डर हमारे पास आया है, ये एक इतना शरीफ बच्चा है कि मैं क्या करूं। सबसे पहले आप थंबनेल देख के आए हो, 1,40,000। मैं आपको पहले बता दूं, 1,40,000 में इनका ओनली पीसी है, सिर्फ पीसी, और 1,60,000 के आसपास का फुल पीसी है। ये प्राइस मैं आपको कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर के या बिल्ड के या शिपिंग विपिंग सब कुछ नहीं बता रहे हैं, वो सब किनारे हटा के सिर्फ कंपोनेंट के प्राइस की बात कर रहे हैं हम आपसे। लगभग 1,60,000 में फुल पीसी है, इंक्लूडिंग 2K मॉनिटर साथ में, और 1,40,000 का सिर्फ और सिर्फ सीपीयू है। सो व्हाट्स अप लोग, कैसे हो आप सब? आपका भाई शादाब खान एंड वेलकम टू मिस्टर पीसी वाले। सो आज का जो हमारा पीसी का ऑर्डर आया है, ये आया है कानपुर से, अमन राजपूत नाम का बच्चा है, बहुत सीधा बच्चा है। उसने बोला ये शादाब भाई, ये मेरा इतना बजट है, XYZ जो मर्जी है आपको दो, जो अच्छा लगे आपको दो, ठीक भाई। सो आइए हम आपको दिखाते हैं कि हमने इसके भरोसे को कितना कैरी ऑन किया, और 1,40,000 में सिर्फ पीसी, 1,60,000 में फुल पीसी के में क्या क्या कोशिश करके अच्छे कंपोनेंट्स लेटेस्ट कंपोनेंट हमने इसके बिल्ड में यूज किए। तो भाई सबसे पहला कंपोनेंट आज हम आपको दिखाते हैं, इसको हटाना पड़ेगा, बहुत बहुत बड़ा है। मॉनिटर कौन सा यूज कर रहे हैं? मॉनिटर है हमारा गीगाबाइट का, मॉडल नंबर है GS27Q। क्या क्या है इसमें देखिए, 2560x1440, ठीक, QHD मॉनिटर है, 2K मॉनिटर, 165Hz IPS गेमिंग असिस्ट है, साइड डिस आती है, लो ब्लू लाइट एंड फ्लिकर फ्री आता है, 27 इंच का गेमिंग मॉनिटर है, 2K मॉनिटर। तो इसको हम करेंगे अनबॉक्स बाद में, और कंपोनेंट्स आपको दिखाते हैं। सो भाई उसके बाद जो हमने इसमें पावर सप्लाई यूज की है, वो यूज की है कूलर मास्टर की MWE ब्रॉन्ज V2 750W 80+ ब्रॉन्ज पावर सप्लाई हमने यूज की है, 750W की। 750W पावर सप्लाई क्यों यूज की, वो आपको हम आगे वीडियो बताएंगे, कॉस्टिंग बताएं तो इस 750W पावर सप्लाई की कॉस्टिंग आती है समवेयर अराउंड, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप चेक कर लीजिएगा। ये देखिए, ये रहा इसका सीरियल। सो गाइस, ये देखिए आपके सामने सील ब्रेक हो रही है, अब करते हैं इसको अनबॉक्स। ये रही हमारी पावर सप्लाई, देख लीजिए कूलर मास्टर की 750W। ये रहे इसके रिक्वायर्ड केबल, ये ब्रॉन्ज सीरीज की पावर सप्लाई है, फ्लैट केबल्स आते हैं, केबल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और 750 ब्रॉन्ज है, मतलब 4060 Ti तक इसमें ग्राफिक कार्ड इजिली इंस्टॉल कर सकते हैं, अच्छी पावर सप्लाई है बजट के हिसाब से। और ये रहा इसका पावर केबल जो मिलता है 5 एम्पियर का। उसके बाद जो मदरबोर्ड हमने इसमें लगाया है, वो लगाया है गीगाबाइट का Z790UD अल्ट्रा ड्यूरेबल मदरबोर्ड, LGA 1700 सॉकेट सपोर्ट करता है, PCIe 5.0 एंड DDR5 मदरबोर्ड लगाया है, चिपसेट सपोर्ट होगी इसमें Z790, और लिखा हुआ है देखिए सपोर्ट्स इंटेल कोर 14 जनरेशन प्रोसेसर, तो मतलब बॉक्स पे मेंशन है कि ये इंटेल की 14 जनरेशन को सपोर्ट करता है। Z790 इंटेल लेवल मदरबोर्ड नहीं है, थोड़ा सा अप लेवल का मदरबोर्ड है, और DDR5 है, तो मतलब परफॉर्मेंस में क्या ही होगा आपको सोच लो कहाँ गया। ये रहा इसका सीरियल नंबर। बात करें कॉस्टिंग की, ये कॉस्ट करता है भाई 20-22 हज़ार के आसपास आपको कॉस्ट करता है। तो भाई ये रही सील, ये कट गई सील, आइए इसको करते हैं अनबॉक्स। ये रहा मदरबोर्ड हमारा, 4M स्लॉट, एक प्रोसेसर का स्लॉट मिलता है, 3 ATI स्लॉट, और तीन ही आपको मिलते हैं इसमें NVMe के स्लॉट, प्लस थंडरबोर्ड का भी पोर्ट दे रखा है मदरबोर्ड में, और टाइप सी का पीछे पोर्ट आपको मिल जाता है, अच्छे खासा पोर्ट्स मिल जाते हैं। बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से, VRM के हिसाब से, बजट के हिसाब से बहुत अच्छा मदरबोर्ड है। इसमें वाईफाई नहीं आता, वाईफाई लेना है तो UDAC और UDAX आपको लेना पड़ेगा। तो भाई उसके बाद जो हमने इसमें प्रोसेसर यूज किया है, वो यूज किया है इंटेल i7 14700K, 14700 के प्रोसेसर है, और ये देख लीजिए ये रहा इसका सीरियल नंबर, ठीक भाई। i7 यूज किया है, मतलब सेकेंड टॉप, 1,40,000 रुपए में एक ऐसा प्रोसेसर हमने यूज किया है। इस बच्चे को करना क्या, मैं आपको बताऊं, कोडिंग वोडिंग करनी है, गेमिंग वेमिंग करनी है, तो इन्होंने कहा था शादाब भाई मुझे एक ऐसा प्रोसेसर ग्राफिक कार्ड दीजिएगा जिसमें मेरा मेन जो प्रोफेशनल वर्क है वो सारे A to Z हो जाए। तो हमने कहा ठीक है, हम कोशिश करेंगे। तो सोचो i9 होता है सबसे टॉप, i9 से नीचे कौन सा आता है, i7, तो हम लोगों ने इसमें i7 यूज़ किया, इंटेल का i7 14700K का प्रोसेसर। बात करें कॉस्टिंग प्रोसेसर की, शायद 38,000 to 40,000 के आसपास इसका भी प्राइस फ्लक्चुएट हुआ करता है। सो भाई ये रहा आपका प्रोसेसर, इसकी सील ब्रेक हो रही है, सील ब्रेक करके इसको करते हैं अनबॉक्स। ये रहा प्रोसेसर आपका इंटेल i7 14700K, बहुत शानदार प्रोसेसर है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर इन देयर बजट सेगमेंट।
सो भाई इसके बाद जब मैंने उसमें लिक्विड कूलर यूज किया, यूज किया कूलर मास्टर का मास्टर लिक्विड 360L कोर ARGB, ठीक भाई। ये लिक्विड कूलर हम लोगों ने इसमें यूज किया, 360 mm का लिक्विड कूलर है, 3 फैन आते हैं। इस ये कूलर में यूज किया है उस CPU को ठंडा रखने के लिए, ठीक भाई। और इसका सीरियल नंबर कहाँ है दिखा दें आपको, ये देखो अमन, ये रहा सीरियल नंबर इसका, ठीक भाई। और बात करें कॉस्टिंग की, तो ये कॉस्ट करता है आपको समय अराउंड 8500 से लेके 9000 के बीच में। बाकी इन सारे कंपोनेंट के प्राइस के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं कि आप जिस दिन वीडियो देख रहे हैं उस दिन उस कंपोनेंट का क्या प्राइस है। सो भाई ये रही सील आपके सामने, रही प्रेक। ये रहा हमारा लिक्विड कूलर, 360 mm का रेडिएटर है इसमें, कूलर मास्टर का ML360 कोर, ये कूलर मास्टर का लोगो मिलता है, 120 mm के 3 फैन आपको लगाने का ऑप्शन मिलता है इसमें। ये रहा इसका CPU होल्डर, इसमें आपको कूलर मास्टर का लोगो सेंटर में मिल जाता है विद RGB लाइट के साथ, इफेक्ट के साथ। ये रहा पीछे का इसका, जिसमें आपको वो नहीं मिलता है थर्मल पेस्ट, वो हमको लगाना पड़ता है अलग से। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है लिक्विड कूलर की। और ये रहा 3 फैन, 120 mm के कूलर मास्टर के ही फैन मिलते हैं, वाइट ब्लेड है इसमें। और वाइट ब्लेड क्यों, क्योंकि आपको भाई RGB फैन है, अगर व्हाइट ब्लेड हटा देंगे, ब्लैक ब्लेड कर देंगे, तो RGB दिखेगी कहाँ से, व्हाइट ब्लेड में RGB निकल के आती है अच्छे से। कूलर मास्टर के आई थिंक सिकल फ्लो फैन आते हैं ये। उसके अलावा ये रही इसकी क्या बोलते हैं रिमेनिंग एसेसरीज। अब जब PC इतना हैवी बना है, तो हम और जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स हैं वो सब हैवी लगाएंगे या कुछ हल्का लगाएंगे नहीं। तो इसमें रैम हमने लगाई है थर्मल टेकी टफ रैम A16x2 32 GB की 6000 MHz की रैम आती है। इसमें आपको आती है लिमिटेड लाइफ टाइम वारंटी, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं थर्मेटिक RGB+ सॉफ्टवेयर से, थर्मेटिक नियॉन मेकर, 16 एड्रेसेबल LED मिलती हैं इस रैम में, बहुत अच्छी रैम है। टफ रैम XG RGB D5, मतलब DDR5 रैम है। एक किट की कॉस्टिंग शायद आती है यार 12-13 हज़ार रुपये के आसपास, इससे नीचे नहीं आती, बहुत महंगी रैम आती है। अल्टीमेट परफॉर्मेंस है इस रैम की। ये रही इस रैम की सील, आपके सामने ब्रेक हो दी, आइए करते हैं रैम को अनबॉक्स। रही आपकी रैम 16x2 6000 MHz की RGB रैम, जिसका सीरियल नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा है। रैम में RGB भर भर के बहुत शानदार RGB है, देख लीजिए 2 स्ट्रिप्स ऊपर से गई हैं, प्लस एक स्ट्रिप साइड से मिडिल में टावर टाइप का खड़ा हुआ है, पेट्रोनॉस टावर हैं 2 उस टाइप से खड़े हुए, उसमें भी आपको RGB मिलेगी। लेफ्ट हैंड पे थोड़ा सा टेक्स्चर है, राइट हैंड पे बेसिक रैम आपको मिल जाती है। उसके बाद जो हमने इसमें NVMe यूज़ की है, वो यूज़ की ऑरस की जेन 4 NVMe, जिसकी रीड स्पीड है कितनी भाई साहब, 1 TB की है रीड स्पीड। देखिए इसकी रीड स्पीड है इसकी अप टू 7300 Mbps, देखिए ये, और राइट है अप टू 6000 Mbps। और इसके अंदर हीटिंग भी अलग से आती है, आप चाहो तो, अगर आपके बोर्ड में हीटिंग नहीं है तो आप इसके साथ हीटिंग लगा सकते हो। बात करें प्राइसिंग की, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, देख लेना आप, शायद 8.5-9 हज़ार के आसपास तो आती होगी NVMe। ये रही आपकी सील, ब्रेक हो रही है, आइए इसको हम लोग करते हैं NVMe को अनबॉक्स। ये रही हमारी NVMe Aorus Gen 4 1 TB की NVMe, ये देख लीजिए आप, सेल नंबर भी NVMe पे आपको दे रखा है, 7400 Mbps इसकी आपको मिल जाती है रीड एंड राइट स्पीड। उसके बाद जो हमने इसमें ग्राफिक कार्ड यूज किया है, वो यूज किया GigaByte का G4 RTX 4060 Ti ईगल 8 GB का, और ये ग्राफिक कार्ड DDR6 बेस्ड है। अब आप में से कई लोग बोल सकते हो कि शादाब भाई एक बार बताइए, जब आप ओनली PC का 140,000 चार्ज कर रहे हो, देन वाई नॉट यू यूज़ 4070 Super। देखो 4070 Super का प्राइस लगभग 60,000 के आसपास आता है, इससे उसमें 20,000 का डिफरेंस है। अब वो 20,000 हम कहाँ निकालते, अगर हम प्रोसेसर डाउन करते, i5 करते, तब भी 10,000 का गैप आता, 10,000 प्रोसेसर डाउन कर जाता, बाकी हम रिमेनिंग 10,000 का गैप कहाँ से लेते। अगर आप में से जो भी समझदार लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताओ कि 140,000 में हम 4070 Super देते तो प्रोसेसर कौन सा देते, फिर हमको रैम करनी पड़ती 16 GB, NVMe करनी पड़ती 500 GB, जो हमें करनी नहीं थी, उनको 32 GB रैम चाहिए थी, 1 TB Gen 4 NVMe चाहिए थी, लिक्विड कूलर चाहिए था, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था। इसलिए कि अगर हम थोड़ा सा AMD तरफ जाते सस्ते में, तो मे बी आने के चांसेस थे। बाकी भाई तभी अगर आप भी ऐसा कोई PC बनाना चाहते हो, इंडिया के किसी कोने में रहते हो, आपकी स्क्रीन पे 2 नंबर आ रहे होंगे, दोनों में से किसी भी हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपके घर तक हम PC पहुंचा देंगे। आप कहीं भी रहते हो, मतलब इंडिया में कहीं भी रहते हो, अगर आप फिजिकल PC लेना चाहते हो, फिजिकल हमारे ऑफिस से, स्टोर हमारे स्टोर से, तो लखनऊ में हमारा स्टोर है, उत्तर प्रदेश में, डिस्क्रिप्शन में स्टोर का एड्रेस दिया गया है, आप वहाँ से हमको देख के रीच कर सकते हैं हमारे पास। ये देखिए सील आपके सामने ब्रेक हो रही है, अब आइए करते हैं इसको अनबॉक्स। So
सो भाई ये रहा हमारा ग्राफिक कार्ड, तीन फैन मिल जाते हैं आपको, ठीक ठाक हीट सिंक है, लेंथ अच्छी है कार्ड की, बैक प्लेट मिल जाती है, सीरियल नंबर आपको नीचे मिल जाता है, ये देख लीजिए बायोस ओसी और साइलेंट का आपका स्विच मिल जाता है, और उसके अलावा बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है, डिसेंट है, ज़्यादा अच्छी नहीं है ज़्यादा बुरी नहीं है। चार आईओ पोर्ट्स मिलते हैं, दो HDMI और इसमें दो डिस्प्ले पोर्ट्स। आइए करते हैं हम लोग पीसी को बिल्ड। तो भाई कैबिनेट जो हमने इसमें यूज किया आपको दिखाते हैं। इस कैबिनेट का नाम है गेम डियाज एटलस M1। फ्रंट पे टफन देती है कंपनी, साइड में टफन ग्लास आता है, प्लस साइड में दो फैन लग के आते हैं। देखिए साइड में दो फैन 120M के लग के आते हैं, एक पीछे 120M का फैन लग के आता है। ठीक टॉप पे देखिए 360M का लिक्विड कूलर लगा हुआ है, तो मतलब 120, 240, 360M तक का आप लिक्विड कूलर इसमें लगा सकते हैं सपोर्ट। और टॉप पे ये रहे इसके एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट्स कहाँ गए, गायब हो गए फ्रंट में भी नहीं, क्या एयरपोर्ट्स? अरे भाई साहब कलाकारी कर दी है इन्होंने। यहाँ ये दिखाएं आपको आईओ पोर्ट्स ये दे दिए, एक 3.0 का, एक टाइप सी का, प्लस ये एक डिजिटल डिस्प्ले दे रखी है जिसमें आपको मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड और CPU मतलब प्रोसेसर का टेम्परेचर शो होगा। भाई साहब बहुत शानदार चीज़ दे रखी है। और एक चीज़ हमको और अच्छी लगी इसमें, इसमें बेस में आप तीन फैन लगा सकते हैं। बेस में अगर आप फैन नहीं लगाते हैं तो आपको PCI Express स्लॉट की केबल निकालने के लिए एक ये देखिए यहाँ पे होल दे रखा है इस जगह पे, अदरवाइज अगर आप यहाँ फैन लगाते हैं तो ये यहाँ पे होल दे रखा है, यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, मतलब केबल मेंटेन करने के लिए आपको बहुत शानदार कैबिनेट है। क्यों सूफी, जबरदस्त कैबिनेट है। बेस में तीन फैन आप इसमें इजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेश डिजाइन दे रखा है इस जगह पर, देखिए पूरा ताकि हीट ना हो कैबिनेट, और यहाँ भी मेश डिजाइन दे रखा है। तो हम इसको ऑन करेंगे तब दिखाएंगे। अदरवाइज PC हमारा कंप्लीट हो गया, बिल्ड एक एक चीज बिल्ड हो गई इसमें, देख लीजिए सारी बिल्ड की चीजें कंप्लीट हो गई हैं, A to Z सब इसमें हो चुका है मैनेज। कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइए। अब दिखाते हैं आपको केबल मैनेजमेंट, ये देख लीजिए गेम डियाज एटलस M1 का केबल मैनेजमेंट कैसा आया, आप कमेंट करके हमको बताइए। ठीक भाई आइए काम करते हैं, हम पहले सोच रहे हैं मॉनिटर अनबॉक्स करें, मॉनिटर अनबॉक्स करके दिखाएं आपको, उसके बाद उसी मॉनिटर से इस कैबिनेट को चलाएं ताकि आप आउटपुट तो देखो, मजा तो लो, एंजॉय करो। तो चलो सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं मॉनिटर। सो भाई लोग ये रहा मॉनिटर, ये लगी है सील, तो ये देख लीजिए अमन, ये देखिए मॉनिटर की सील आपके सामने हम ब्रेक कर रहे हैं, ये सील ब्रेक हुई। ठीक और आपके सामने ही इसको अनबॉक्स करेंगे, कैसे अनबॉक्स होगा आप वो भी देखना अपनी आंखों के सामने ही, आपके सामने मैं इसको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। तो भाई लोग ये देखिए ये निकल रहा है हमारा मॉनिटर, साथ में हमको क्या क्या मिलता है, एक तो ये पावर केबल मिली थी, एक ये मिला था बेस स्टैंड, एक ही मिड स्टैंड की पावर सील पैक इसी में रखी रहेगी, इनकी HDMI केबल सील पैक इसी में रखी रहेगी, हम ये यूज करने वाले नहीं है। ठीक भाई और इसको हमने हटाया यहाँ से, तो ये निकला हमारा मॉनिटर, ये देखिए ये, ठीक है ये निकला हमारा मॉनिटर। अब सबसे पहले देखिए लुक कैसा है आपके सामने है, देखिए इसका लुक है। अब देखिए आप इसमें पोर्ट देखिए, रुको हमको देखिए पहले, हाँ दो HDMI 1 HDMI 2 और DP पोर्ट दे रखा है, और हेडफोन का यहाँ पे पोर्ट दे रखा है आपको। ठीक उसके अलावा पावर केबल भी आपको यहाँ पर लगाने के लिए दे रखा है। तो आइए इसको ज़रा सेट करें, इसका ये लगा मेरे करंट मार दिया, चार्ज थी ये जैसे हमने छुई चट से उसने मारा। तो ये रहा इसका बेस स्टैंड, ये देख लीजिए ये लगेगा कैसे, देखिए हमारा ये लॉक हो गया,
निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे बटन है, ये आपने बटन प्रेस किया और ये निकाल दिया। उसके बाद लॉक करने लगाना है तो ये लिए आपने लॉक कर दिया। ठीक, ये रहा बेस स्टैंड, ये भी आपका देखिए ये है, बस ये स्क्रू टाइट होता है पीछे से। ठीक, ये हमने यहाँ से यूँ लगा दे रहे हैं इसको। ओके, ये मैंने लगाया, लगा के इसके स्क्रू को मैंने कर दिया टाइट और इसमें आपको स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ऑलरेडी आप इसको टाइट कर सकते हैं। ठीक, तो हम इसको ज़रा सेट कर लें फिर आपको दिखा। सो आइए इसको करते हैं पावर ऑन। सो 3, 2, 1 गो। ये मैंने ऑन किया पर ये ऑन नहीं हुआ, आई थिंक बंद है क्या, नहीं ये तो ऑन है यार। ओके, एक सेकेंड, हाँ अब ऑन हुआ, ये देख लीजिए, ये मैंने यहाँ से इसको कर दिया है पावर ऑन और अभी धीरे धीरे लाइट्स आएंगी। ये देखिए धीरे धीरे आपकी सारी लाइट्स आ चुकी हैं, A2 सेट सब लाइट्स आ चुकी हैं और पहले ये पूरी प्रॉपर तरीके से ऑन हो जाए फिर दिखाते हैं आपको। सो भाई लोग, सिस्टम हमारा देखिए अब होके ARGB पे सिंक हुआ है और ये देख लीजिए दो फाइन साइड के क्या शानदार लग रहे हैं। रैम देखिए, आप रैम में जो RGB दे रखी है ना उसमें टॉप पे RGB है प्लस उसमें साइड में वो थोड़ा सा दे रखा है, वहाँ पे भी आपको RGB मिल जाएगी और पीछे की तरफ देखें आप, पीछे भी आपको एक ARGB फैन मिल जाएगा। ठीक, उसके अलावा टॉप पे आप देखेंगे तो उसमें देखिए लिक्विड कूलर लगा हुआ है हमारा 360 mm का, बहुत शानदार लग रहा है। और मेन चीज़, मेन USP इसकी जो है वो ये रही है इसकी डिस्प्ले, ये देख लीजिए डिस्प्ले देखिए, इसमें भी आपको CPU लिखा हुआ है और टेम्परेचर आ रहा है, CPU का टेम्परेचर शो हो रहा है। अब इसको हम एक बार क्लिक करते हैं देखिए देखिए अब यहाँ पे टेम्परेचर शो होने लगा आपके GPU का, कि आपके GPU में जो टेम्परेचर आ रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है। तीसरा हम बार क्लिक करेंगे तो ये आ गया AMB आपके ऑल मदरबोर्ड का टेम्परेचर, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक भाई, कैसे लग रहा है PC आप कमेंट करके बताइए, बहुत शानदार PC लग रहा है। बजट के हिसाब से कैबिनेट हमारी बहुत अच्छी है, कोई कमी नहीं है कैबिनेट में, बहुत शानदार। ये रहा मॉनिटर, मॉनिटर की कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको दिखाते हैं सबसे पहले आइए। ठीक, पहले हम गए यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग में और यहाँ पर हम गए तो हमको देखिए रिफ्रेश ये दिखा रहा है 2560x1440, ये मतलब 4K हो गया। ठीक, एडवांस सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पर हमको मिलेगा रिफ्रेश रेट का ऑप्शन, 60Hz पे आप चलाओ, 120 पे चलाओ और 143.99 मतलब 144Hz पे आप रन कर सकते हो। उसके बाद नीचे जाते हैं इसके टास्क मैनेजर में तो यहाँ पे हमें परफॉर्मेंस पे आ गया CPU i7 14700K, मेमोरी 32GB, डिस्क 1TB, GPU RTX 4060 Ti। ठीक, उसके बाद इसको बंद करते हैं हम यहाँ से और ये देखिए लुक कितना अच्छा है, 27 इंच का गेमिंग मॉनिटर है। यहाँ से जाते हैं इसके GCC सॉफ्टवेयर पे तो यहाँ से हमको दिखाएगा इसका RGB कंट्रोल करने का, तो यहाँ हम RGB पे गए, ये स्टैटिक। अब हम लगाते हैं कलर साइकिल तो ये देखिए हमने कलर साइकिल चेंज कर दी, कलर साइकिल में इसके डिफरेंट कलर्स हमारे चेंज हो रहे हैं और हर कलर पे एक अलग ही इफेक्ट आता है, एक अलग ही लुक आता है। आप चाहो तो इसमें सिंगल कलर भी इसका लगा सकते हो, तो देखिए मैंने सिंगल कलर लगा दिया वाइट तो पूरा PC हमारा वाइट हो गया। अब देखो यहाँ पर आप रैम के कलर जो वाइट आ रहा है वो थोड़ा डिफरेंट है, एज वेल एज जो कलर फैन का आ रहा है, फैन के ब्लेड्स का, वो कलर थोड़ा सा वाइट डिफरेंट है, ये थोड़ा सा मिल्की वाइट है जो इसके रैम का कलर है, मिल्की वाइट है। उसके अलावा डी फ्लैश चाहो मतलब डबल फ्लैश लगा सकते हो, डबल फ्लैश में आप जो कलर चेंज करना चाहो वो कलर इतने आप चेंज कर लो। उसके अलावा पल्स लगा दो तो पल्स टाइप इफेक्ट आता रहेगा, अदरवाइज रेनबो इफेक्ट आता रहेगा आपका। ठीक है, तो ये रहा आपका PC, अब हम इसको लाइट्स ऑन करके दिखाते हैं। सो भाई लाइट्स हमने ऑन कर दी हैं, लाइट्स ऑन होने के बाद कैसा लग रहा है PC आपके सामने ही देख लीजिए, अपने बजट में बेस्ट कैबिनेट है। मुझे पता है आप लोग बोलोगे शादा भाई इसमें फ़ैन और अच्छे होने चाहिए थे, जो मेरा भी ये कहना गेम डियाज वालों से है कि आप इसमें फ़ैन थोड़े और अच्छे कीजिए, बट मेरा एक ये भी कहना है गेम डियाज वालों से कि आपने प्राइस के अकॉर्डिंग जो फ़ैन दिए ना वो अच्छे, दोनों बातें हैं, आप थोड़े से इसमें 500 रुपये और ले लो लेकिन फैंस को थोड़ा और अच्छा कर दो, और आप जो इस बजट में दे रहे हो फैन ये भी ठीक है, कमी नहीं है, क्योंकि जिस बजट में आप जो जो चीज़ें दे रहे हो ना सफिशिएंट इनफ हैं। तो ऑल थैंक्स टू गेम डियाज जिन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया और हमारा रिव्यूज़ ये है कि आप इसमें अच्छा और कर सकते हो, इसको इसके फैन चेंज कर दो बढ़िया लगेगा। कैसा लग रहा है PC कमेंट करके बताओ। अब दिखाते हैं बेंचमार्क देखो फिर बताना आप। We'll be right back.
सो भाई लोग बेंचमार्क देखिए आपने कैसे लगे बेंचमार्क कमेंट करके जल्दी बताना, पीसी कैसे लगा बताना। और ये देख लीजिए आपके सामने खुला हुआ है एक 2K मॉनिटर। 2K मॉनिटर का पैनल कैसा होता है आपके सामने है। सबसे कम बजट में आपको 2K मॉनिटर प्रोवाइड करने वाली कंपनी गीगाबाइट है, जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है कलर्स का, इसका उसका A to Z बहुत अच्छा ही रिस्पॉन्स है कि आपको हाँ आपको फील होगा कि हाँ कुछ क्वालिटी इन्होंने दी है। ठीक भाई, कोई नया पीसी बाय करना हो इसी तरीके से आपके नंबर में तो आपके स्क्रीन पे दो नंबर आ रहे होंगे, दोनों में से किसी पे भी हमको व्हाट्सएप में टेक्स्ट मैसेज कर देना और अपने पीसी की क्वेरी को आप ले सकते हो, हमसे क्वेरी कर सकते हो, पीसी को परचेज कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं वीडियो में। बाय बाय।